शुक्रिया। बहुत कम जीवन में ऐसा होता है कि जब आप कोई बोलने का न्योता स्वीकारें और फिर उस विषय पर जब आप पढ़ने लगे तो फिर यह एहसास होता है कि इस विषय पे मैं बोलने के लायक ही नहीं। जब पंडिता रमाबाई के बारे में मैंने एक जनरली सरसरी तौर पे तो नाम सुना था, लेकिन जब सुनील जी ने बोला कि इस पे हम समारोह करना चाहते हैं तो फिर पढ़ना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये समझ में आया कि जहां हम हैं उसकी नींव में कितने ऐसे नगीने छुपे हुए। अभी प्रोफेसर चौधरी राम जी बोल रहे थे कि वो अपने दौर की सबसे पढ़ी लिखी पहली महिला नारीवादी महिला रही। उस दौर के अंदर वो ज्ञान हासिल करके अपने लिए ना लगाना और समाज के लिए अपने को लगा देना, शिक्षा का ये महत्व जब आप ऐसे लोगों को पढ़ने जाते हैं, जब उनकी जीवन को समझते हैं, तब समझ में आता है कि शिक्षा का जरूरत उन तबकों को क्यों है जो पारंपरिक तौर पर शिक्षा से बाहर रहे। ऐसा नहीं है, हमारे जब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, देहरादून का रहने वाला हूँ, नॉर्मल जैसे हम सबकी फैमिली होती है, तो हम लोगों को एक विश्वास था कि पढ़ जाएंगे तो जीवन में तरक्की कर जाएंगे। ये विश्वास पिछले 50, 60, 70 सालों के अंदर देश के अंदर रहा कि आप पढ़ जाइए तो तरक्की कर जाइए। लेकिन साथ में ये भी, जब हम ज्योतिबा फूले को देखते हैं या सावित्री बाई फूले को देखते हैं या हम पंडित रमाबाई की बात करते हैं या ऐसे बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, तो ये समझ में आता है कि शिक्षा केवल मेरी तरक्की के लिए नहीं है। जब मैं राज्यसभा टीवी में था, मैं एक छोटा सा इंस्टेंस बताना चाह रहा हूँ, तो एक केस मेरे सामने आया था। मैं चैनल का हेड था तो हमारे एक ट्राइबल एम्प्लॉय था, उसने जाके अपने यहाँ समाज में काम करते थे, तो उनके खिलाफ ये आ गया कि भाई ये जो है सरकारी नौकरी में होते हुए समाज के लिए काम नहीं कर सकते, ये सरकारी नौकरी में आप पॉलिटिकल वर्क नहीं कर सकते। तो उस वक्त जब वो केस आया तो तब पहली बार मुझे भी सोचने का मौका मिला, और वो इस यहाँ से जुड़ता है इसलिए मुझे अचानक से वो बात याद आई कि वो व्यक्ति जो आरक्षण के दम पे आया, वो आरक्षण उन ट्राइबल व्यक्ति को केवल अपनी तरक्की के लिए नहीं मिला था, वो इसलिए मिला था, इसलिए नहीं मिला था कि उसकी रोजी रोटी चले, वो इसलिए मिला था कि इस देश के पावर सेटअप के अंदर, इस देश में जो पावर सेटअप है उसमें उसकी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व हो, और अगर वो उस सेटअप में आकर अपनी कम्युनिटी के साथ काम नहीं कर रहा है तो उसका पूरा पर्पस डिफीट हो जाता है। इसलिए हर ऐसे व्यक्ति को जो पढ़कर आया, पढ़कर उसने एक पावर की जगह प्राप्त की, अगर वो अपनी कम्युनिटी में वापस जाना चाह रहा है तो कोई भी नियम कानून इसके आड़े नहीं आ सकता, क्योंकि आरक्षण का वही एक पर्पस था। और ये बात मुझे क्यों याद आई, क्योंकि अभी जब मैं सुन रहा था प्रोफेसर कांचा को भी, तो सवाल ये है कि उस दौर के अंदर जो लोग रहे, उन्होंने क्या शिक्षा को मात्र ज्ञान लेने का आधार माना था, या शिक्षा को समाज को बदलने का आधार माना था, या शिक्षा को उस पावर सेटअप में अपने कम्युनिटी की, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ट्राइबल हो, या कोई भी, क्योंकि उस समय तो बहुत कम लोग उस सेटअप के अंदर थे, उस सेटअप में जाने का एक माध्यम माना था। और ये जो माध्यम है आज उसको याद करने की जरूरत है कि हम शिक्षा को लेकर जो ये काम हुए उसको याद कर रहे हैं। तो मैं जब आया था तो मैंने सरदार साहब से रिक्वेस्ट किया था कि आपने मुझे बोलने के लिए बुलाया, पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ,
क्योंकि प्रोफेसर खांचा को सुनने के बाद, ज्योतिराम जी को सुनने के बाद कोई लेट आया, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस विषय पे अपनी बात करने की बजाय बात सुननी चाहिए। लेकिन बातों बातों में क्योंकि रिक्वेस्ट हुआ, तो मैं सिर्फ केवल अपना ट्रिब्यूट्स पे कर सकता हूँ। आज मैं केवल उस महिला को जो जिस दौर में वो जन्मी, जिस दौर में उन्होंने स्टैंड लिए और जिस दौर में वो समझ डेवलप की, आज इतना ज्ञान चारों तरफ बिखरे होने के बाद, इतनी अपॉर्चुनिटी चारों तरफ होने के बाद, इतने अधिकार चारों तरफ होने के बाद, आज हम नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं केवल उनके लिए श्रद्धांजलि और उनका जो काम रहा उसको याद करना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ आगे भी। और सरदार बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सच में मेरे जीवन में ये पहला फंक्शन है जो पंडिता रमाबाई के लिए हुआ है। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये पहला फंक्शन है और मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हूँ, जो बचपन से जब से होश संभाली है ऐसे फंक्शन में जाता रहा हूँ, बात करता रहा हूँ। अगर हमसे भी छुपा रहा तो समाज में ऐसे लोगों को ले जाने की कितनी ज़रूरत है, वापस अपनी जड़ों को दोबारा से देखने की कितनी ज़रूरत है। इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया।